दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को पोला पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जाएंगे थनौद, वहाँ पे 2023 की जो गणेश उत्सव है उसके लिए गणेश मूर्ति तैयार हो रही है, तो उसे हम देखेंगे। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं ऐसे सुनने में आ रहा है, तो चलिए हम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं थनौद, तो चलिए मूर्ति देख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हो कितना विशाल गणपति जी हैं, और ये तो उनसे भी विशाल है। देखिए कितना बड़ा है, बाप रे, पूरी छत टच हो रही है, देख सकते हो आप। बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल, पता नहीं कैसे बाहर निकालेंगे। और ये गणपति आज जाने वाली है, जो इनकी समिति है वो लेकर जाएंगे इनको, कहाँ की है पता नहीं। कैमरामैन फोकस करो, चलिए दोस्तों अब अंदर चलते हैं। ये देख सकते हो ये अंदर में गणपति जी हैं, बहुत ही सुंदर। तो बहुत सारे गणपति तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से, और बहुत सारे अभी भी काम बाकी है। देख सकते हो आप, अभी काम बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं, उन पर पॉलीथीन लगा दिया गया है। और ये माता जी, जय माता दी, जय 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 गणपति बप्पा। तो आप देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो समय है अभी 19 तारीख को विराजमान होंगे गणपति जी, तब तक तो सभी तैयार हो जाएंगे। लगातार काफ़ी यहाँ पर लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, सही कहा था, वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है प्रतिमा। माता जी लोग भी बड़ी सुंदर हैं, रिद्धि सिद्धि माता, बहुत ही सुंदर, वाह वाह। ये देखिए लाला जी, सेठ जी बना के मूर्ति बनाया, देख सकते हैं। जय जय गणेश भगवान, जय। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, और अभी बहुत सारे काम बाकी भी हैं, वो भी हो जाएंगे और दिखाता रुक जा अपने निश्चित समय तक। जय जय, बहुत सुंदर, वाह वाह, एक नंबर, बहुत सुंदर। कहाँ जाएगी पता नहीं ये प्रतिमा, पर बहुत ज़बरदस्त, वाह, एक से बढ़कर एक सुंदर प्रतिमा है, मज़ा ही आ गया देखने में। सुंदर सुंदर प्रतिमा है दोस्तों, पर ये हम लोगों ने बिना अनुमति के अंदर आए हैं, अंदर प्रवेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें काम करने में दिक्कतें हो रही है ना। हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ आ चुके हैं और सभी वीडियो बना रहे हैं, तो दिक्कत होती है काम करने में, समझ में आ सकता है, तो वो जाने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों। हाँ हाँ, तो दोस्तों देख सकते हो ये जेसीबी लाया गया है, ताकि इससे गणपति जी को, काफ़ी भारी है, उसे उठाकर ट्रक पर बैठाएंगे, ताकि ये फिर अपने जहाँ पर आयोजन समिति है वहाँ जा सके। तो दोस्तों देख सकते हो ये है इनका मूर्ति केंद्र, यहाँ पर ही मूर्ति बनती है। देख सकते हैं चढ़ाने की पूरी तैयारी चल रही है, जेसीबी से पूरी व्यवस्था करें, ताकि अच्छे से मूर्ति को उठाकर ट्रक पर रखा जा सके, और फिर ये जिस जगह भी ये जा रही हैं सही सलामत पहुँच सके। देखते हैं कितना समय लगेगा, किस तरह चढ़ाते हैं इतनी विशाल मूर्ति को, क्या है कैसा है। चलिए दोस्तों देखते रहते हैं। चलो ना, चलो ना,
तो दोस्तों मूर्ति अच्छे से ट्रक पर रख दी गई है, अब हम भी अपने घर चलते हैं। दोस्तों हमको वीडियो बनानी थी, वो हमने बना ली, तो चलिए घर चलते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।